यूपीए 1 और यूपीए 2 के बुरे अनुभव को बहुत करीब से देखा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पद यूपीए 1 और यूपीए 2 में मात्र एक कठपुतली बनकर रह गया था और पर्दे के पीछे से जो तार थे वो गांधी परिवार खींचा करता था, तो देश इस बुरे अनुभव को कभी नहीं भूल सकता। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, वो राजभवन सिर्फ कांग्रेस का एक्सटेंशन ऑफिस बनकर रह गया था, उनकी दुर्गति हुई थी, तो देश इसे भी कभी नहीं भूल सकता। और जिस तरीके से एजेंसियां कांग्रेस पार्टी के इशारे पे काम करती थी, तभी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई जो है वो पिंजड़े में कैद तोते के समान है। तो इन सारी चीजों को ये देश याद रखेगा, और ये देश कभी नहीं भूलेगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासनकाल में ही कॉमनवेल्थ के से शुरुआत करके 2G, 3G, 4G और जीजाजी यानी कांग्रेस की जीजाजी कितने घोटाले हुए थे उस समय, देश पर एक बदनुमा दाग लगा था। तो मुझे लगता है इन सारे एक्सपीरियंसेस से यूपीए 3 की तो संभावना ही नहीं, देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को एंट्री देंगे, तो इसी तरीके का विरोधाभास एक दूसरे के बीच में है, और इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो भी कोसों दूर है एक दूसरे से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी जद में विपक्ष के बड़े नेता हैं जिन्होंने लंबे समय से भ्रष्टाचार किया था, लेकिन ये भूल गए थे कि ये मोदी का न्यू इंडिया है और कानून के लंबे हाथ उन तक अंततः पहुंचेंगे। तो ये सिर्फ भय के कारण एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना बारात सज गई लेकिन घोड़े पर बैठने वाले दूल्हे का ही नहीं पता, तो ऐसी बारात को कौन वेलकम करेगा।